हेलो, आज हम लोग खेल रहे हैं कैलिको। ये गेम बहुत ही ज्यादा कलरफुल और क्यूट सी लग रही है। दुनिया भर की बिल्लियां उड़ रही हैं हवा में और पूरा का पूरा पिंकिश पिंकिश बना रखा है मामला। बट आई लव कैट्स, इसलिए हम ये गेम जरूर खेलेंगे। देखो, आज मैं वैसे भी बिल्ली सा बना हुआ हूँ। क्यूट लग रहा हूं मैं? क्यूट म्यूजिक देखो जरा इसका। ये हरकतें मुझे बंद कर देनी चाहिए। गेम में घुसते हैं सीधा। नेम, अरे इतना इतना क्यूटी पाई सा क्यों बना रखा मामला भाई? है, आंखों को पसंद आ रहे हैं ये कलर्स। आई लाइक इट, बट स्टिल फुल गर्ली मामला लग रहा है मेरे को ये। देखा, शाय लिख दिया मैंने गलती से। अरे शुभ लिखना है मुझे। अरे ये क्या हो रहा है? आई कांट बिलीव आई एम स्टार्टिंग माई न्यू लाइफ टुमारो। आई हैव टू पिक समथिंग टू वियर। ओ वाओ, मेरी आंखें, ये नशीली आंखें। ओ वाओ, ब्लू कलर नहीं, मेरे को एलियन नहीं बनना। ग्रीन भी नहीं, मैं कितना ब्राउन हूँ? हाँ, अपने कलर के हिसाब से चुनता हूँ। इतना इतना एक्सेप्टेबल है क्या? एक सेकंड, ये सिंच क्या होता है भाई? कुछ चेंज तो हो नहीं रहा। ये चीज कम ज्यादा हो रही है, तो ये एक तरह से बेल्ट की तरह काम करता है। हाँ, ये तो फिगर तो अपनी मेंटेन रखनी है ना हमें। चेस्ट, ऑब्वियसली मिडल रखते हैं। नहीं, हम स्लिम ट्रिम। मैं रियल लाइफ में मोटा हूँ तो इसका मतलब गेम में थोड़ी मोटा रहूंगा। हाँ, गेम में मेरा कंट्रोल है। मैं पतला रखूंगा अपने आप को। बॉटम नहीं, मोटा तो कहीं से होना ही नहीं है। शोल्डर, डोले शोले वाले बन जाए। जिम में ज्यादा करता नहीं, रियल लाइफ में भी और गेम में भी हम थोड़े से नॉर्मल से ही रहेंगे। नोज टू, नोज थ्री का क्या मतलब है भाई? मेरे पास एक ही नाक है। पोज, अरे वाह, ये डांस करने वाला ज्यादा क्यूट लग रहा है। ब्लश, भाई साहब हम सब कुछ चुन सकते हैं सही में? नहीं, ब्लश तो बेकार लग रहा है। आईब्रोज, ये गेम पक्का लड़कियों के लिए बनाई गई है। भाई साहब आईलैश वाईलैश चुन रहा हूँ मैं। अबे इतने चोचले कौन करता है? लड़के करते हैं क्या ये सब? एक्सेसरीज, ओहो ये नहीं शुभम। ये अच्छा लग रहा है यार, ये दिल वाला भी ठीक लग रहा है। आंखों में ज्यादा फर्क तो नहीं आ रहा, बस पूरी की पूरी नीली हो गई है बिल्ली की तरह। ये क्या है? आई शाइन। अबे और कितनी आंखें चमकाओगे? मेरे को तो नॉर्मल में इतनी ज्यादा शाइनी लग रही थी। ये बाहर के प्लैनेट की लगने लगी ऐसे तो। देखना कितनी शाइन कर रही है इसकी आंखें। हेयर, यहाँ पे है इम्पोर्टेंट चीज तो। हाँ ये सही लग रहे हैं। अरे ये तो फुल कार्टून लग रही है। अब लंबे बाल ही पसंद है, छोटे बाल इतने अच्छे नहीं लगेंगे। अगर मुझे अपने से रिलेट करना है तो ये चलेगा। यही ठीक लग रहे हैं मुझे तो। और मैं कलर भी चूज कर सकता हूँ। रेडिश हेयर अच्छे लगेंगे मेरे हिसाब से ना। देखो एक अलग ही शाइन आ रही है। यस, ये अच्छे लग रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर इस बॉडी को एडजस्ट करके हम अपने आप को लड़का भी बना सकते हैं, बट नहीं, ये ठीक है। लेट्स गो। एय, वर्ल्ड में आ गया मैं तो। कलर्स ही कलर्स, मेरे को अभी से पसंद आ रही है ये कलरफुल चीजें। किसको पसंद नहीं है? हाँ, बहुत ही बड़े कलरफुल वर्ल्ड में रह रहे हैं हम। कैफे चलाता हूं मैं एक। ओ माय गॉश, हेलो, वेलकम टू, अबे ये एलियन वॉइसेस में क्यों बोल रहे हो तुम लोग? वेलकम टू हार्ट विलेज, आई एम कीवा द मेयर ऑफ दिस लिटिल विलेज। वी आर सो एक्साइटेड। सो पे देखो कितना जोर दिया है, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है वो। वी आर सो एक्साइटेड टू हैव यू हियर। We were also sad to have your aunt retire and the cafe shut down. Honestly, the village just isn't the same without her. मैं डांस क्यों कर रहा हूँ और उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहा? वो गुस्सा हो जाएगी, उसे सैड फील होगा। Though she did send me a postcard last week and it looks like she's really enjoying traveling. Apparently, there are cats on other island. Isn't that amazing? Well, तेरे को लग रहा है ना मैं अमेजिंग मूड में ही हूँ। देख रही है मैं कितना डांस कर रहा हूँ? मैं डांस क्यों कर रहा हूँ अभी भी? अरे चुपचाप खड़ी रहे। Oh, whoops. Of course you'd know all about that, having come from another island. Anywho, all that matters is you are here now. First thing first, why don't you look inside your new cafe? It's a little boring and empty right now, but that's up to you to fix. Why don't you go inside and check the place out? Come back and talk to me when you are done. Oh geez, wait. Even more first, I need to give you your welcome gift. Here is a couple things that will help you settle in. Oh wow! Did you check out the place? I love the layout and that star-shaped skylight is so pretty. अरे मेरे को बात नहीं करनी थी, अभी रुक जाओ, अभी तो मैं गया ही नहीं हूँ। There is a lot of work to do though. It's completely empty of both people, animals and food. I actually brought you some furniture to help you out. अरे दुनिया भर की हेल्प कर रही है ये तो। Didn't know which kind you like best, so I ended up bringing a whole bunch. What would you say your style is? Cute, spooky. Cutie है available. I have these items of that type. You should place them in the cafe when you get time. Oh, जरूर। Hey! मैं फाइनली इधर उधर जा सकता हूँ। अच्छा, तो जब भी मैं खड़ा होऊंगा मैं नाचने लगूंगा। ये हैप्पी गो लकी वाला बंदा हूँ मैं। होल्ड टू पेट, आई कैन पेट,
कहाँ पे है कैट्स? हेलो क्यूटी पाई पेट, एक सेकेंड, अरे दिख नहीं रहा मुझे कुछ। हाँ पेट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, पहली बार पेट कर रहा हूँ जिंदगी में। पिकअप कैलिशियो, कैलिको, होल्ड टू विगल एनिमल, कैसे मैं विगल क्यों नहीं कर रहा? एलवन, फॉलो मी, गो टू कैफे, बी फ्री, एक सेकेंड, यूज टॉय, अच्छा मेरे पास टॉय है, ओके, होल्ड पेट, यस। ओ बाप रे, मैं इतना अजीब क्यों लग रहा हूँ? कहाँ देख रही है तू? अरे कैट की तरफ देख, अजीब लग रहा है मुझे। अगर इसी के पीछे हॉरर म्यूजिक चला दे तो बाप रे, ऐसा लग रहा है मर्डर वर्डर कर देगी ये इस कैट का। क्रीपी। रुको, टॉय के साथ खेलते हैं फिर। कैसे? अरे वो खेल रही है, क्या कर रही है? उसे नींद आ रही है। ये क्या, ये तू क्या कर रही है? और उसे वो टॉय दे उसे। मेरे पास भागी भागी आएगी वो। नाइस। एक मिनट, मेरी लाइफ में कुछ पंगा हो रखा है, कुछ तो गड़बड़ है डेफिनेटली। अच्छा तो इसमें मेरा टास्क क्या है? पिकअप। ओह, मैं काफी कुछ कर सकता हूँ, एक सेकेंड। ये हमारा मैप है, तो क्या मेरे को कस्टमर्स वगैरह लेके आने हैं? पुट फर्नीचर इन द कैफे। हाँ, मुझे अपना कैफे दोबारा स्टार्ट करना है आई थिंक। लेट्स गो। ये है मेरा कैफे। व्हाट, क्या हुआ? मैं गायब कैसे हो गया? ओ ये क्या है, मैं कारपेट बन सकता हूँ? सही में? मुझे पता था मैं इस दुनिया का नहीं हूँ भाई। मेरे अंदर टैलेंट बहुत है। सेव एंड स्लीप। ये कैट मेरी अपनी है, मेरे साथ ही रहेगी आई थिंक ये। तो मैंने अपने कैट के नाम पे ये कैफे चलाया है। ओहो, तो इसने मेरे को फर्नीचर दिया था क्या? अपनी कैफे में जाऊं, इन्वेंटरी में से सारा का सारा फर्नीचर निकालना है मुझे और यहाँ पे रखना है। हाँ, पोशंस, टॉयज, फर्नीचर, गॉट इट। अच्छा टेबल, आई गेस मुझे यहाँ रखना चाहिए। हाँ, इसके साथ में चेयर, एक तो यहाँ पे, अरे इसे घुमाएंगे कैसे? रोटेट राइट, यहाँ ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे जो भी चाय वाय पिएगा उसे बाहर के नज़ारे भी मिलेंगे, एक अच्छी जगह मिलेगी। ये क्या चीज़ है? क्यूट सोफा। ओह, तो यहाँ पे रखते हैं ताकि जो भी यहाँ पे बैठे वो कैट के साथ आराम से खेल भी सके, है ना। एक क्यूट सोफा यहाँ रख देते हैं, एक और टेबल यहाँ पे बिल्कुल मिडल में। डन, खुल गई हमारी कैफे, फर्नीचर तो सेट हो गया एटलीस्ट। पोशंस, इसका क्या मतलब है? टेलीपोर्ट टू कैफे, सिट, ओके। मेरा साइड एंगल इतना डरावना सा क्यों है वैसे? ये देखना, ये ओल्ड आंटी सी लगती है इस एंगल से। टॉक टू मेयर। हाँ जी सर, मैडम आई मीन। ओके व्हाट्स नेक्स्ट? एनिमल्स, योर आंट ऑलवेज हैड अ बंच ऑफ क्यूट कडली एनिमल्स इन द कैफे, ऑनेस्टली इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल थिंग। यस एग्जैक्टली, आई अग्री। व्हाई डोंट यू लुक अराउंड एंड अडॉप्ट एन एनिमल फॉर द कैफे? दे आर ऑल ओवर द आइलैंड एंड एज लॉन्ग एज दे डोंट बिलोंग टू एनीवन एल्स दे आर अवेलेबल फॉर द कैफे एंड योर न्यू फजी फैमिली। मेरे को एनिमल्स चाहिए, वो भी क्यूट। ये वर्ल्ड ही इतना क्यूट है, यहाँ पे सारे क्यूट एनिमल्स ही होंगे। हाँ, तो उनको मारने वाला कौन है? लाइक जब वो प्रजनन वगैरह करते होंगे तो उनकी तादाद बढ़ जाती होगी। ये तो खुला खुला खाली खाली सा ही लग रहा है भाई। मैं इतने अजीब तरीके से क्यों भाग रहा हूँ? क्या हो गया? मैं पेड़ के आर पार हो सकता हूँ। अरे वहाँ पे एक क्रो है, जंप मार रहा है वो भी। इस क्रो को अपना पेट बनाऊं क्या? उड़ तो नहीं जाएगा ये? अरे बाप रे, ऐसे पकड़ लिया तूने? और तेरे साइज से कितना बड़ा क्रो है ये? जंगली वंगली तो नहीं है? ओ इसे कहते हैं विगलिंग। अरे बाप रे। कुछ अलग ही हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है ये। अरे वाह, ये मेरे ऊपर बैठ गया। क्या हम इसे बैठना कह सकते हैं प्यार से, या फिर ये मेरे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है? क्रो, तेरे क्या इंटेंशन है भाई? अल्टीरियर मोटिव्स हैं तेरे? कैरेक्टर की अपीयरेंस के लिए इतने सारे ऑप्शंस थे, फिर भी इस बिचारी को जूते नहीं दिए उन्होंने। बताओ, नंगे पैर हारना पड़ रहा है इसे। एक और क्रो, क्रो की पार्टी। अरे वाह, किसी के घर में आ गया मैं। मेरे को दूसरे पर्सन वगैरह भी मिलेंगे क्या? हेलो, शॉप में कोई है? अरे बाप रे, ये तो क्रीपी लायन लेडी है। मैं इस क्रो को बिठाऊं कैसे ऊपर? ग्रीटिंग्स ट्रैवलर एंड वेलकम टू माय पैलेशियल एम्पोरियम ऑफ पोटेंट पोर्टेबल पोर्टल। अरे क्या ठीक है, टंग ट्विस्टर। आई एम पोटम, ऑटम, आई एम ऑटम। अबे ओके, सॉरी, आई डोंट हैव एनी पोशंस अवेलेबल राइट नाउ, बट कैट शार इज मिसिंग एंड आई हैव नो आइडिया वेयर शी इज एंड द वरी हैज गॉटन मी टोटली बिहाइंड ऑन मेकिंग पोशंस। तो मेरे को इसकी कैट ढूंढनी पड़ेगी बेसिकली। अरे हेल्प मांगनी है तो मांग ले, टंग ट्विस्टर्स दे रही थी छोरी। पानी है, पानी में फेंक दूं? अगर मैं यहां से गिरा तो क्या मैं मर जाऊंगा? मैं जा ही नहीं सकता। ओके, यहां से तो कूद सकता हूं ना मैं? दुनिया भर की बड़ी जंप। ओके, तू तो भाई साहब सुपर हीरो से कम नहीं है। उधर भी एक घर दिख रहा है मुझे, उधर चलते हैं। मैं स्विम भी कर सकता हूँ, वो भी क्रो के साथ। इतना टैलेंट है किसी में? मेरे को नहीं लगता। पंछी बनू, उड़ता फिरू मस्त गगन में।
ये मेरी ही कैफे है। तो और कोई घर है या हम बिल्कुल ही अकेले अकेले रहते हैं? मेरे को अभी से सैड फील होने लग गया, पीछे जाके देखते हैं। अरे उधर एक और कैट दिख रही है मुझे। कैट आइलैंड में हूँ मैं, और कैट होनी ही चाहिए। तो एनिमल कमांड, बी फ्री, फॉलो मी। ये फॉलो करेगी अब? यस, नाइस। ये कैलिको को भी अपना फ्रेंड मिल गया एक नया। अरे एक और डॉगी भी है। मेरे को डॉगीज इतने कुछ खास पसंद नहीं है एज कम्पेयर टू कैट्स ना। हाँ, लेकिन वहाँ पे एक फेरी खड़ी है। भाई कौन है तू? क्या फेरी कॉन्टेस्ट है आसपास? ये कैसी ड्रेस पहन रखी है इसने? हेलो देयर, माय नेम्स मिया, माया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द आउल क्लब एट योर सर्विस। देयर वाज अ लैंडस्लाइड दैट ब्लॉक्ड द पाथ इनटू द माउंटेन्स। और तो बेसिकली ये मेरे को काम वाम देते हैं एक तरह से ना, तो इससे वो लैंडस्लाइड हटवानी है मेरे से, आई गेस। पता नहीं, चल अभी तेरे लिए टाइम नहीं है। अरे घर ही घर है भाई, सोसाइटी है यहाँ पे। मैं सोसाइटी से अलग क्यों कैफे बना के बैठा हूँ फिर? भाई अगर तुम्हें अपना धंधा चलाना है तो सोसाइटी में चलाना चाहिए ना। एक और ब्लैक कैट, मुझे ब्लैक कैट्स काफ़ी पसंद है। ला भाई इधर आ। एनिमल कमांड, फॉलो मी। हेलो भाई। अरे वाह, सबका अपना फैशन सेंस है यार यहाँ पे। तो ये फर्नीचर वगैरह बेचती है? बाहर क्यों खड़ी है फिर तू? आ मेरे को फर्नीचर दिखा। देख तेरे को कस्टमर को वो नहीं करना आता इम्प्रेस, तो मैं जा रहा हूँ। आसपास कोई और कैफे नहीं है तो ये बेचारे मेरे पास ही आते होंगे आई थिंक खाने पीने। अरे रकून आ जा भाई, छोरे गो टू द कैफे। अच्छा ये अपने आप चला जाएगा, इन्हें पता है मैं ऐसी कमांड्स दे सकता हूँ इन्हें। एक और ब्लैक कैट, गो टू द कैफे। हमारे यहाँ पे डॉग्स और कैट्स अगर एक साथ आ जाएं तो वो भाई साहब लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे डॉग्स कैट ऐसे ही घूम रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो बिल्लियाँ इतनी छुप छुप के रहती हैं, लेकिन ऐसे दूर से कोई बिल्ली दिख जाए तो कुछ ऐसी फीलिंग आती है, पता नहीं क्या दिख गया। क्या मैं बिल्ली को माउंट कर सकता हूँ? एक सेकेंड, माउंट? अरे इसे माउंट नहीं कर सकता मैं। इधर आ तू, भाग मत फिर। अरे एक मिनट, मैं कंफ्यूजन में हूँ बहुत ज़्यादा ना। अरे तू क्रोध भाई, दूर रह, मेरे को बिल्ली उठाने दे। ये तो सही लग रहा है। वो क्रो निकल लिया बेटा, देखो वो भागने लग रहा है, उसे पता चल गया, उसे फ्रीडम मिल गई। अरे क्रो हमें चाहिए भी नहीं, कैट ही ठीक है। अरे बिल्ली मजा आ रहा है तेरे को? फुल वाइब्रेशन मोड पे आ गई है तो। अरे क्या ये, ओ भाई कितने अच्छा कलर लग रहा है इसका ना, ये वाली कैट का। मेरे को लगा पिंक कैट है बिल्कुल। भाई डॉगी इधर आ, तेरे को भी ले लेते हैं हम, तू भी काफी क्यूट है। फॉलो मी। इसका नाम क्या है वैसे? ऑसी। वाओ क्यूट है यार, ये भी काफी है, लोमड़ी सा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ये ब्लैक कैट कितनी डेंजरस लग रही है ग्रीन आंखों के साथ। यार ये कैट कैफे में तो मेरे को रियल लाइफ में भी जाना है, बड़े सही लगते हैं वो ना, मैंने सुना है उनके बारे में। चारों तरफ कैट, इमेजिन करो कितना अच्छा लगता होगा। अरे फिशेज, ये डेड फिशेज है क्या? तैयार क्यों नहीं रहा तुम में से कोई? हेलो मैम, देखो हमारे पास कितने सारे पेट्स हैं। आई कांट सीम टू रिकॉल। ओ फूड, ओके, सो द अदर थिंग यू नीड टू लर्न इज मेकिंग फूड फॉर द कैफे। कांट हैव अ कैफे विदाउट कैफे फूड एंड ड्रिंक्स। तो मेरी आंट ने काफी सारे रेसिपीज छोड़े हैं, विलेजर्स विल बी एबल टू शेयर सम फैमिली रेसिपीज विद यू इन एक्सचेंज फॉर योर हेल्प। किचन एंड ट्राई आउट दोज रेसिपीज। समथिंग एल्स टू नोट, दिस आइलैंड इज वेरी मच बेस्ड इन ओल्ड मैजिक, द वे वी डू थिंग्स इज अ बिट डिफरेंट हियर। आई थिंक यू विल रियली एंजॉय द कुकिंग दो, इट्स प्रीटी फन टू थ्रो एन एग द साइज ऑफ योर होल्ड बॉडी। हाँ मुझे लग रहा है यार ये एनिमल्स कुछ ज्यादा ही बड़े हैं हमारे साइज से, लाइक वो क्रो। यू विल गो ट्राई इट आउट। अरे तो इसमें मैजिक यूज करके मैं अपना खाना, ओ भाई ये कहाँ से आ? ये रकून, अच्छा मैंने इसे भेजा था। हाँ अरे वाह तू तो स्मार्ट है। जादू से अगर हम रियल लाइफ में खाना बना पाते तो मजा आ जाता, इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़ती मुझे। स्टार्ट रेसिपी, डिस्प्ले केस। मेरे को कप केक बनाना है, फ्लोर शुगर बटर एग। मैं छोटा हो गया, बाप रे। अच्छा मेरे को फ्लोर चाहिए, ये रहा, एंड इसे मैं कैसे, ओह भाई साहब बहुत कुछ हो रहा है इसमें, गेरू ना इसे। अरे वाह ऐसे, एग चाहिए मुझे। अरे वाह फेंक दिया मैंने, टूट गया वो एग, नहीं टूटा, कमाल हो गया। इधर आ एग, भाग मत मेरे से दूर। ये ऐसे ही बनाना है क्या मेरे को? मेरे को सही नहीं लग रहा ये ना। कॉफी बनाते हैं, कॉफी के लिए सिर्फ कॉफी बीन्स और मिल्क चाहिए, वो थोड़ा इजी रहेगा। अरे फेंकना नहीं था शुभम। क्या ये कॉफी बीन्स है ना, डाओ इधर। ये ऐसे ही फेंक दिया यार मैंने पूरा का पूरा कट्टा, वो एक महीने का राशन है, क्या कर रही है तू? मिल्क चाहिए अब मुझे, मिल्क कहाँ पे है भाई? ये रहा, डन। अरे रुको, डन। आए जादू, कॉफी बन गई रे। तो यहाँ पे रखना है मुझे कॉफी को, एंड खुद पी जानी है ये। यस, टॉक टू मेयर। अरे यार छोटी छोटी चीज के लिए उस मेयर से बात कर रहा हूँ, तू उस पे डिपेंडेड है इतना, खुद कुछ कर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर अ नेचुरल। आई गेस ऑल दैट्स लेफ्ट इज मीटिंग सम ऑफ योर नेबर्स, यू शुड गो अराउंड एंड मीट देम। मीटिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी। अनफॉर्चुनेटली वी हैव हैड सम प्रॉब्लम्स ट्रेवलिंग टू एंड फ्रॉम द अदर एरियाज ऑफ द आइलैंड, विच सक्स।
I haven't been able to get to the hot springs for months. Maybe one of the villagers has an idea of how to fix some blockage. Anyway, I hope you get the cafe back up and running. If you ever want to chat with me about it, I lie down the road right here, past the down center. See ya, friendo. फ्रेंडो भी बन गए हम, ओपन फॉर बिजनेस. अरे वाह रे, अब आएगा पैसा. मैं अपने क्यूट एनिमल्स की क्यूटनेस यूज करके पैसा कमाऊंगा. द पाथ टू द माउंटेन. मीट द टाउन्स पीपल टू लर्न अबाउट द माउंटेन पाथ. ओ यार, ट्रैवलिंग के लिए अपने पास कोई गाड़ी वाड़ी होनी चाहिए थी. ये क्या है, ट्री वाला रास्ता? ओ अंदर है कुछ. ये देखो, ये आई थिंक दूसरा पाथ है, लेकिन इसे खोलने के लिए कुछ करना होगा. एक ऐसे में ऐसा लग रहा है हम लोग एक रोबोट हैं और उस मेयर के इशारों पे नाच रहे हैं. वो मेयर चली गई भाई, सारा काम हम बता के हमें. ओ भाई, ये अचानक से स्पॉन हुई, मैं डर गया. क्या है भाई ये? हेलो मॉन्स्टर. हाँ फाइनल बॉस फाइट. हेलो बिल्ली रानी. अरे इतनी बड़ी बिल्ली, इसे तो पिकअप नहीं कर सकते हम. ये फंस गई आई थिंक. अच्छा मेरे को इसकी हेल्प करनी है. पता नहीं मेरे को क्या करना है, लेकिन मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि कोई ऑप्शन तो आया नहीं मेरे पास. वो क्या है, लाइट हाउस? अरे वाह, ये तो बड़ा ब्यूटीफुल सा इलाका है, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकता. एक और ब्लैक कैट. ये डॉगी है तू, डॉगी है तू बेटा. सारे एनिमल्स मेरे हैं. गो टू द कैफे. सारे एनिमल्स को मैं अपने कैफे में कैद करके उनसे पैसे कमाऊंगा. अब हमारी कैफे फुल एनिमल्स से भरी हुई है. रकून, डॉग, कैट्स. I like it. और इसी के साथ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. उन टाउन के लोगों से जाके बात करके फ्रेंडशिप बढ़ाएंगे किसी और एपिसोड में. आप लोग क्या डॉग पर्सन हो या कैट पर्सन हो, और उसका रीजन क्या है, जरा मुझे कमेंट्स में बताना. मुझे ये सब पढ़ने में बड़ा मजा आता है. और इसी के साथ मैं चला और बाकी की वीडियोस बनाने. आई होप आप लोगों को ये वीडियो में मजा आया होगा. लीव अ लाइक, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, उससे आगे आने वाली वीडियोस मेरी मिस नहीं करोगे बिल्कुल भी. और मैं चला, गुड बाय.